जय हिंद। मैं यशपाल मुंदिला और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। और आज अपन बायोलॉजी में एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका यूज़ जो होता है वो हर टॉपिक में होता है, हर जगह उसका यूज़ होता है और देखा जाए तो बहुत ही क्या है, बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है मैं आपके बारे में बताने वाला हूँ, ये एक टाइप से जैसे आपने देखा होगा कोई भी मकान बनता है तो मकान में जैसे जितना ईंट जरूरी होती है उतना ही क्या होता है, ये जो मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो क्या होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, और मैं आपसे बात करने वाला हूँ, आपका पहला टॉपिक और वो कौन सा है, साइटोलॉजी। इसी को ही क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी, हिंदी में बोलते हैं कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान। ठीक है, और ये जो होता है ये होता क्या है, स्टडी ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चर, फंक्शन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। हिंदी में क्या बोलेंगे, कार्य संरचना एवं उत्पत्ति के आधार पर, आधार पर कोशिका का अध्ययन, अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। तो देखो भाई, ये जो साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी जो होता है इसमें स्टडी ऑफ सेल किया जाता है, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पर सेल की स्टडी की जाती है संरचना फंक्शन के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर और क्या होता है, ओरिजिन के आधार पर। ठीक है, अभी इससे पहले अपन ने जो भी 8-10 लेक्चर जो भी पढ़े हुए हैं वो आपका बेसिक बायोलॉजी है, वो आपका किसी टॉपिक में रिलेटेड हो सकता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था वो क्या होता है, रिलेटेड हो सकता है, वो आपका किसी भी टाइप का कोई टॉपिक नहीं है, वो क्या है, बेसिक बायोलॉजी है। बायोलॉजी में जो टॉपिक होते हैं, जो टर्म जहाँ बार बार यूज़ होती हैं उनके बारे में अपन ने थोड़ा सा नॉर्मली डिस्कशन किया था। ठीक है, लेकिन अपन जो है पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, साइटोलॉजी। इसी को क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी। क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर ये जो सेल आया है, ये जो सेल आया है कोशिका जो आया है, सेल जो आया है कोशिका आया है, इसको बोला जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई बोला जाता है। क्या बोलते हैं, जीवन की इकाई या आधार ये इकाई बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी घर बनता है तो घर में सबसे छोटा जो पार्ट या जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो क्या होता है, ईंट होता है, या कोई भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग जो होती है वो क्या होती है, ईंटों से मिलकर बनी होती है, कई करोड़ों अरबों ईंटों से मिलकर क्या होता है, ये बिल्डिंग बनती है, घर बनता है। वैसी जो होता है वो करोड़ों अरबों सेल बन के मिलकर क्या करती है, पूरी बॉडी बनाती है। क्या बनती है, पूरी बॉडी कौन बनाता है, कोशिकाएँ बनाती हैं। जब क्या होता है करोड़ों अरबों कोशिकाएँ इकट्ठी हो जाती हैं तो और वो क्या करती हैं, पूरी बिल्डिंग को बनाते हैं। ठीक है, या बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, तो जो सेल है इसको अपने को क्या मान के चलना है कि ये क्या है, एक ईंट है। क्या है, एक ईंट है जो पूरा घर बना सकता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कोशिका है जो क्या कर सकता है, पूरी एक बॉडी बना सकता है। ठीक है, तो साइटोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। कोशिका के काम क्या होंगे, कार्य क्या होंगे, फंक्शन क्या होंगे, कोशिका का स्ट्रक्चर क्या होगा, संरचना क्या होगा और कोशिका का ओरिजिन आई कहाँ से है भाई कोशिका। ठीक है, ये तीन चीज़ों पे जब अपन बात करेंगे, जब तीन चीज़ों को अपन साथ में इन्वॉल्व कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी हो जाएगा। वहाँ पर कोई भी दो राय नहीं कि कुछ और होगा। ठीक है, क्या होगा, साइटोलॉजी होगा। ठीक है, तो जब भी कोशिका की बात करेंगे अपन किसके बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे और ओरिजिन के बेसिस पे, तो अपन को क्या बोलेंगे, उसको साइटोलॉजी बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, कोशिका विज्ञान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोशिका विज्ञान। ठीक है,
तो अपने को पता है विज्ञान जो है वो क्या है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, तो ये साइटोलॉजी भी जो होगी वो क्या हो जाएगी, बायोलॉजी की एक ब्रांच होगी जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है संरचनाकार और उत्पत्ति के आधार पर। साइटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन एंड ऑरिजन इज नोन एज साइटोलॉजी। ठीक है, ये आपने देख लिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला। एक मैं पहले आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसा क्यों बोला गया है। कोशिका जीवन की आधारीय इकाई है, कोशिका जो है वो क्या है, जीवन की आधारीय इकाई, ऐसा क्यों बोला गया, यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला गया। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि एक ये सेल है, सेल किसी भी आकार की किसी भी शेप की हो सकती है, ये एक सेल है, ये सेल जो है वो अकेली है, तो इसे क्या बोलेंगे, कोशिका। क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, कोशिका बोलेंगे। ये एक अकेली है तो क्या, कोशिका बोल दिया। ठीक है, जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल गई तो उनने क्या बना लिया, ऊतक बना लिया। ग्रुप ऑफ सेल जो होता है वो क्या होता है, टीशू होता है। इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, सब कोशिकाएं हैं। इनमें से अपन एक को क्या बोलेंगे, कोशिका बोलेंगे, लेकिन इस पूरे ग्रुप को कोशिका नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, टीशू बोलेंगे। टीशू हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊतक। ग्रुप ऑफ सेल जो होता है वो क्या होता है, टीशू होता है। कोशिकाओं का समूह जो होता है वो क्या होता है, ऊतक होता है। अब ये टीशू मिलके क्या बना लेंगे, कोई ऑर्गन, ऑर्गन। अब मैंने बोला ऑर्गन जो है वो अंग बना लिया, और अंग में क्या बना लिया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की नाक बना ली। ठीक है, ये क्या है, किसी की नाक है, नहीं भी दिख रही होगी तो आपको मान के चलना है। ठीक है, या चलो मैं आपको नहीं बनाता हूँ, नाक नहीं बनाता हूँ, कुछ भी बना लिया। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये कान बना लिया। ठीक है, कान बना लिया या अंग, कोई भी अंग बना लिया। अब ये अंग जो होगा ये मिलके क्या बना लेंगे, पूरी की पूरी क्या बना लेंगे, बॉडी बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बॉडी बना लेंगे, शरीर बना लेंगे। तो भाई ये बताओ, शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, कोशिका से हुई थी। कोशिका जो होती है वो मिलके क्या बनाती है, ऊतक बनाती हैं। ऊतक बनाते हैं, ऊतक सिस्टम या ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। ठीक है, इसका एक क्रम और हो सकता है, सेल, पहले इसको आप देख लेना, अलग से बनाता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ नहीं तो आप कन्फ्यूज हो गए। सबसे पहले सेल, सेल मतलब कोशिका, कोशिका से क्या बनते हैं, टीशू, टीशू मतलब क्या होता है, ऊतक, ऊतक से टीशू सिस्टम, टीशू सिस्टम ऊतक तंत्र, उसके बाद ऑर्गन बनाएंगे, ये अंग बनाएंगे, इससे क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र बनेगा, और उसके बाद क्या बन जाएगा, पूरी बॉडी बन जाएगी, पूरी बॉडी बन जाएगी, शरीर बन जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता है करेक्ट। कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाएंगी, ऊतक से क्या बनेगा, ऊतक सिस्टम बनेगा,
ऊतक सिस्टम से ऑर्गन बन जाएगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी बन जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई है, कोशिका से। इसलिए कोशिका को क्या बोल दिया आपने, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोल दिया, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर क्या बोलेंगे, जीवन की भौतिक इकाई, क्या सॉरी आधारीय इकाई, भौतिक नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे अपन, आधारीय इकाई बोलेंगे, क्योंकि शुरुआत जो है वो किससे हुई थी, कोशिका से ही हुई थी। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ अपना शरीर जो होता है ये बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है, बॉडी जो होती है मेड अप बाय होती है मैनी यूनिट से बनी होती है, तो वो यूनिट क्या होंगी, तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि ये जो है बात किसकी हो रही है, सेल की हो रही है, कोशिका की हो रही है। ठीक है, अब देखो रॉबर्ट हुक, फर्स्ट रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर सेल इन कॉर्क ऑफ ऑक ट्री। रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल इन कॉर्क ऑफ ऑक ट्री, और ये कब है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को ऑक पौधे के कॉर्क में खोजा। कॉर्क जो होता है वो कैसा होता है, नॉन लिविंग पार्ट, तो ये जो है वो कौन सी सेल थी, नॉन लिविंग सेल, या इन्होंने आजीवित कोशिका को देखा था, आजीवित कोशिका को खोजा था। ठीक है, इसके बाद ऑक जो है क्या, एक पौधा है, तो ये क्या है, प्लांट सेल, या फिर इसको बोलते हैं पादप कोशिका, ये जो एक है वो क्या है, पादप कोशिका है। तो इन्होंने देखा जाए तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था कॉर्क ऑफ ऑक ट्री में, ऑक पौधे के कॉर्क में, कॉर्क जो होता है वो नॉन लिविंग पार्ट होता है, तो ये सेल कौन सी हो जाएगी, नॉन लिविंग सेल हो जाएगी। ये कैसे होगी, नॉन लिविंग सेल होगी, आजीवित कोशिका होगी, और ये कौन सी, पौधे की कोशिका थी, कैसे थी, पौधे की कोशिका। अब भाई इन्होंने सबसे पहले देखा था, फर्स्ट सीन सेल वॉल, कोशिका भित्ति को देखा था, कोशिका भित्ति को देखा था, कोशिका भित्ति को देखा था। भाई इनके पास जो माइक्रोस्कोप था वो ज्यादा अच्छा नहीं था, तो इन्होंने देखा कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इस टाइप का इनको स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है, और इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं देखा, इन्होंने किसको देखा, सेल वॉल को देखा, सिर्फ इस वाले पार्ट को देखा। तो इनको ये दिखा कैसा, हनी बी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्र में जो कक्ष होते हैं उनके जैसा स्ट्रक्चर दिया दिखा, ठीक है। तो इन्होंने एक किताब लिखी
रॉबर्ट हुक, गिव द नेम सेलुला इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में सेलुला नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में कोशिका को क्या बोल दिया कि ये क्या है, सेलुला है। ये क्या है, कोशिका को क्या बोल दिया इन्होंने, सेलुला बोल दिया। क्या बोल दिया, सेलुला। ठीक है, तो अगर आप बोलेंगे कि रॉबर्ट हुक ने सेल को क्या नाम दिया था, तो आप क्या बोलोगे, सेलुला। और इन्होंने जब सेल को देखा था तो इनको सेल देखने में कैसी दिख रही थी, हनी बी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जो चैम्बर होते हैं उनके समान संरचना दिख रही थी, उसके जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था। और इन्होंने सबसे पहले जो स्ट्रक्चर देखा था वो क्या था, सेल वॉल था। क्या था, सेल वॉल। ठीक है, इतने से काम के लिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी, इसलिए इन्हें कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है। इन्हें कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है, कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है, या फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गई भाई पौधे की कोशिका। अब किसी ने एनिमल सेल को भी देखा होगा, तो एक भाई साहब थे ल्यूबेनहॉक, फर्स्ट डिस्कवर लिविंग एनिमल सेल। ल्यूबेनहॉक फर्स्ट डिस्कवर्ड लिविंग एनिमल सेल। ल्यूबेनहॉक ने सबसे पहले जीवित जंतु कोशिका को खोजा था, ही गेव द नेम वाइल्ड एनिमल कूल्स इन हिज बुक सीक्रेट ऑफ नेचर। इन्होंने या ल्यूबेनहॉक ने
ल्यूवेनहॉक ने कोशिका को अपनी किताब सीक्रेट ऑफ नेचर में जंगली एनिमल कूल नाम दिया। क्या नाम दिया? जंगली एनिमल कूल्स नाम दिया। ठीक है, तो इन्होंने कोशिका को सबसे पहले जीवित कोशिका को देख लिया और जंतु कोशिका को देख लिया है, इससे पहले किसका? पौधे की कोशिका को देखा था। और इन्होंने अपनी किताब सीक्रेट ऑफ नेचर में क्या नाम दे दिया उसको? जंगली एनिमल कूल्स नाम दे दिया, वाइल्ड एनिमल कूल्स नाम दे दिया। ठीक है, ल्यूवेनहॉक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जीवाणु विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। तो ये तो भाई खोज हो गई, पौधे की कोशिका की डिस्कवरी हो गई और एनिमल सेल की भी डिस्कवरी हो गई। अब मैं आपको कुछ नाम बताने जा रहा हूँ, कुछ नाम बताने जा रहा हूँ जो साइटोलॉजी से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, और उनको याद रखने का कोड जो है वो लिख लेना ROSA, रोज़ा, ROSA, रोज़ा। R का मतलब है रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये जो है वो क्या है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक। ओ का मतलब है ओ हर्डविंग, गिव द टर्म साइटोलॉजी। मैं बताऊंगा हिंदी में क्या बोलेंगे, गिव द नेम साइटोलॉजी। ठीक है, एस का मतलब है स्वानसन, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। ए का मतलब है AK शर्मा, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। हिंदी में बता दूं, रॉबर्ट हुक ने इनको बोलते हैं जनक, कोशिका विज्ञान के जनक। ठीक है, इन्होंने साइटोलॉजी शब्द दिया था, साइटोलॉजी क्या दिया था? शब्द दिया था। ये जो हैं आधुनिक कोशिका, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक। और ये जो हैं
भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक। ठीक है, तो ये आज के लिए अपन इतना ही पढ़ रहे हैं, आगे जो है वो अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको आपको याद करना है, और याद करने के बाद आपका जो ऐप है उसमें जाएंगे, ऐप का जो असाइनमेंट वाला फोल्डर है उसमें आपको DPS नाम की एक PDF मिल जाएगी, जिसको बोलते हैं डेली प्रैक्टिस शीट, उससे आपको जाके क्वेश्चन लगाने हैं, और ये क्वेश्चन डेली टू डेली लगाना है, मतलब पर डे लगाना है, तभी जाके क्या होगा आपको ये जो पढ़ा हुआ है ये क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू।